सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अब एक मामले में कोर्ट में पेश होने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को कारण बताओ अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा था कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करना जारी रखने पर पहले एक अवमानना नोटिस जारी किया था। मामले पर आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश अब जारी किया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कंपनी के वकील से कहा था कि मैं प्रिंट आउट लाया हूं, आज हम बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, इससे गुजरो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक कर देंगे, हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीजें चेन केमिकल आधारित दवाओं से बेहतर है। अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों से नहीं निपटने और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम द्वारा इस पर रोक लगाने पर कार्रवाई के लिए 2 साल तक इंतजार करने के लिए केंद्र के वकील की खिंचाई भी की थी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेद कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है।